ठीक है, अब रैखिकों का समीकरण इट मीन्स इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं आई एफ, क्या निकालते हैं? आई एफ, और आई एफ का मान क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स, और पी का मान क्या होता है? जो वाई से मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स कॉस एक्स डी एक्स, ई की पावर, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। तो यहां से आई एफ का मान हमारे पास आ गया ई की पावर साइन एक्स, क्या आ गया? ई की पावर साइन एक्स। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वाई इंटू ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू सी वन एक्स माइनस वन बाय फोर साइन टू एक्स प्लस का सी टू ई की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस का सी थ्री। तो वाई ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू, देखो सी वन एक्स और सी टू इसका किस तरह से होगा वो देखेंगे। हो गया है यहां तक, आगे देखो आप। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो तो सॉल्व है, हमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड का। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, अगर मैं यहां पर साइन एक्स इक्वल टू टी मान लू तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो टी डी टी के ये उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे हम साइन एक्स डी एक्स।
इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा मतलब अनंत की ओर अग्रसर होगा, और जो वाला पार्ट हमारा अनंत की ओर अग्रसर होता है उस पार्ट को हम एज इट इज नॉट कर देते हैं, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। तो इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, इसमें e की पावर साइन x में मल्टीप्लाई है, तो मैंने माना साइन x इक्वल टू t, तो cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो जहां साइन x है वहां t कर दो, cos x dx को cos x और dx को क्या लिखोगे dt। तो 2 तो हमारे पास यहां से कॉमन आ गया, 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो साइन x को लिखा t, e की पावर t dt प्लस का c 3। तो y e की पावर साइन x c1x प्लस का c2 e की पावर साइन x dx माइनस का, और फर्स्ट और सेकंड के जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो पुट करो और यहाँ पर उसे रख दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो t एज इट इज e की पावर t का e की पावर t माइनस माइनस हो गया, प्लस t का 1 e की पावर t का e की पावर t प्लस का c3। तो y e की पावर साइन x c1x प्लस का c2 e की पावर साइन x dx माइनस का साइन x e की पावर साइन x प्लस e की पावर साइन x प्लस c2। आंसर इस क्वेश्चन का, जो स्टेप अनंत की ओर इंफिनिटी की ओर मूव करेगा उस स्टेप को हम एज इट इज नॉट कर देंगे, उसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। जब उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो वो हमारा एज इट इज रहेगा, और जो पार्ट हमारा एज इट इज है उसको उसी रूप में हम क्या करेंगे आंसर में लिख देते हैं। तो नोट करो इसे, फिर हम 7th चैप्टर का बी पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा 7th चैप्टर का बी पार्ट, इसके क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ इसके, और दो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेना और आपका जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा थर्ड यूनिट का, ठीक है। थर्ड यूनिट आप लोगों की फिर खत्म हो जाएगी। यहां तक आप लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप।
वन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं वो देखो। पहले तो पहले मैं आप लोगों को सेम मेथड बता देती हूँ जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन करे हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये मान कितना हो गया x क्यूब, p1 का मान हो गया 2x और p2 का मान हो गया माइनस का 2। तो फॉर्मूला होता है p2 माइनस p1 डैश प्लस का p0 डबल डैश। तो p2 माइनस 2 p1 डैश माइनस का 2 प्लस 3x स्क्वायर 6x। तो ये वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। और कहां, शुरू वाले स्टेप में, मतलब जब हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया और फर्स्ट स्टेप में ही वो वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मेथड है, तो लिखेंगे दिए हुए समीकरण को हम मान लेते हैं कि दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, निम्न रूप में लिखा जा सकता है। या फिर एक ही लाइन में इसको फिनिश करते हैं, दिए हुए समीकरण को x की पावर m से गुणा करके यह रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है, रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। वी लेट इट कन्वर्ट्स इनटू एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन वी मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन, x की पावर m। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x की पावर m से गुणा किया और ये हमने माना है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यथातथ रैखिक अवकल समीकरण में। मतलब जब हम इसका ये वाला पार्ट निकालेंगे तो ये वाले पार्ट का मान क्या आएगा, जीरो। ये हमें मानना है कि इसको ये पार्ट सॉल्व करने पर इसका मान क्या आएगा, जीरो। कब, जब इसको हम x की पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं तब। यहाँ पर x की पावर m प्लस 3, x की पावर m से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 3 है, दोनों प्लस का 2x की पावर m प्लस 1 dy अपॉन dx माइनस का 2x की पावर m y इक्वल टू x की पावर m। तो नोट करो यहां तक, Thank you.
नॉटिकल के से यहाँ पर देखो अब इसको आगे तो P नॉट कहाँ होगा हमारे पास x की पावर m प्लस 3 P 1 का मान है 2x की पावर m प्लस 1 P 2 का मान है माइनस 2x की पावर m और Q का मान है x की पावर m। ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा P 2 माइनस P 1 डैश प्लस का P0 डबल डैश। तो P2 क्या है हमारे पास देखो P2 की वैल्यू है माइनस x की पावर m माइनस इसका एक बार हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन अवकलन करना है तो इसका हो जाएगा माइनस 2 m प्लस 1 x की पावर m प्लस इससे जिस पहले वाले टर्म का हमें कितने बार करना है दो बार एक बार करेंगे तो m प्लस 3 दूसरी बार करेंगे तो m प्लस 2 और x की पावर m प्लस 1। क्लियर तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं जीरो आता है या फिर नहीं आता तो माइनस का 2x की पावर m माइनस 2 m प्लस 1 x की पावर m इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 m x की पावर m माइनस का 2 x की पावर m प्लस m स्क्वायर प्लस का 5 m m प्लस 3 x की पावर m प्लस 1
इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो क्या टर्म्स आ गए हमारे पास? अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। दोनों टर्म्स को क्या किया, जीरो के इक्वल पुट किया। तो यहां से m का मान आएगा हमारे पास माइनस का दो, कितना आ जाएगा माइनस का दो। और यहां से जब हम x की पावर m को जीरो के इक्वल भेज देंगे तो यहां बचेगा माइनस का टू प्लस m प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। एम प्लस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का टू। और इस टर्म्स में क्या है हमारे पास x है, तो हमारे पास जो इसका मान होगा वो कितना होगा माइनस का टू। और जिस टर्म्स में हमारे पास x है उस टर्म्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो एक ही टर्म्स से हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाती है। अब इस m का मान हम कहाँ रखेंगे, उस क्वेश्चन में जहां पर हमने इसको गुणा में किया था। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे x की पावर m को, x की पावर m को हमें उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है जिस क्वेश्चन में हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। उस m की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस टू। माफ करो इसे, रखने पर एम का मान रखने पर, अब एम का मान हम कहां रखेंगे, जहां पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया था। तो उस इक्वेशन में जब हम एम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है, एक्स d2y upon dx square 2 upon x dy upon dx minus का 2 upon x square y equal to 1 upon x square। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास p not की वैल्यू है x, p1 का मान है 2 upon x और p2 का मान है minus 2 upon x square। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी जीरो डबल डैश, तो हमारे पास कितना आएगा जीरो। अगर आप लोगों का इसको सॉल्व करने पर जीरो आता है, इट मींस आपने क्वेश्चन को सही मेथड से सॉल्व किया है। क्या किया है, इसको आपने सही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डी नॉट एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का P1 माइनस का P2 नॉट डैश y, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस का एक कॉन्स्टेंट c1। तो P1 का मान है x dy अपॉन dx प्लस का P1 का मान 2 अपॉन x, और इससे जस्ट पहले का एक बार हमें अवकलन करना है, इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का वन अपॉन एक्स, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस का सी वन, इक्वेशन नंबर
देख लेना वन है या टू है, पुट करो इसे। अब इसमें से हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे इसी मेथड से कि पी नॉट का मान रखा, पी वन का रखा, और पी वन में से जब हम पी नॉट को घटाएंगे माइनस करेंगे डिफरेंशिएशन करके तो क्या उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है इट मींस हम इसी मेथड से आगे सॉल्व कर लेंगे, और जीरो नहीं आती है तो हम फर्स्ट यूनिट के मेथड से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नॉट करो इसे। तो आगे नोट करो आप क्वेश्चन में P नॉट और P वन की वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से P नॉट की वैल्यू है हमारे पास 2 और P वन की वैल्यू है 2 अपॉन x माइनस का 1। तो P1 माइनस P0 डैश करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। लिखेंगे यह प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, यहां से x से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन xy माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c1 अपॉन x। तो इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, रैखिक अवकल समीकरण के। तो रैखिक अवकल समीकरण में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, IF means इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर पी डी एक्स, e की पावर में p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x डी एक्स। तो e की पावर 2 अपॉन x स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 अपॉन x और माइनस का log x। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे 2 अपॉन x स्क्वायर को तो आएगा माइनस 2 अपॉन x और माइनस का log x। आगे देखो,
की पावर माइनस टू अपॉन एक्स और e की पावर माइनस का लॉग एक्स। ये जो माइनस वन है ये कहां चला जाएगा एक्स की पावर में, e से लॉग हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आई एफ का मान आएगा वन अपॉन एक्स e की पावर माइनस का टू अपॉन एक्स। ठीक है, नोट करो, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब आगे पुट करेंगे हम यहां पर हमारा फॉर्मूला। वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी वन अपॉन एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी टू। तो वाई अपॉन एक्स ई की पावर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का टू अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस डी एक्स प्लस का सी वन एज इट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो क्या किया हमने यहाँ पर, इनको दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे दाएं पक्ष में माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखने पर, टी रखने पर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी इन राइट हैंड साइड। तो यहां से होगा वाई अपॉन एक्स ई की पावर माइनस का टू अपॉन एक्स इक्वल टू, जब माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो ये होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा टी और यहां पुट करेंगे हम टी ई की पावर टू टी डी टी प्लस का सी वन ई की पावर टू टी डी टी प्लस का सी टू। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास हमारे क्या आ जाएगी, टी की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, वहां टी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां तक नोट करो आप।